अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पसंदीदा रंग के बारे में। आपको कौन सा रंग पसंद है? आपकी पसंद का रंग ये बताता है कि आपकी सोच अच्छी है या बुरी, आप कामयाब होंगे या नाकाम। यानी अगर आपको काला रंग पसंद है तो आपकी सोच कैसी है, अगर आपको सफ़ेद रंग पसंद है तो आपकी सोच कैसी है, आप कामयाब होंगे या नाकाम, या आपको पीला रंग पसंद है, काला रंग पसंद है, हरा रंग पसंद है, लाल रंग पसंद है, सबके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काला रंग उदासी, तन्हाई, खुद मुख्तारी और गम की निशानी है। जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं या ज़्यादा पहनते हैं तो वो अपने एहसास को दबाने की कोशिश करते हैं और इनके नज़दीक इनकी इज्जत ही इनकी ज़िंदगी होती है। तभी काले रंग को पसंद करने वाले लोग अपने गम हर किसी को बताते नहीं हैं, अपनी परेशानी का रोना लोगों के सामने नहीं रोते। सफ़ेद रंग, ये रंग पाकीज़गी, अमन और सच्चाई का रंग माना जाता है। जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं या ज़्यादा पहनते हैं तो ऐसे लोग रूहानियत, मारिफत की तरफ बढ़ते रहते हैं और वो सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सफ़ेद रंग का मुसलसल लगातार इस्तेमाल करता रहे तो वो चीज़ों को छुपाने का हुनर ख़त्म कर देगा। उसकी जो जो बातें छुपी होंगी वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। लाल रंग, ये रंग जोश और मोहब्बत की निशानी है। इस रंग को पहनने वाले लोग अपने एहसास के गुलाम बनते हैं और अपने जज्बात को छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये रंग इंसान के हर एहसास को उभार कर बाहर निकालता है और इस रंग में पहनी गई या दी हुई चीज़ें लोगों को ज़्यादा वक्त तक याद रहती हैं। तभी कुछ लोग शादी के वक्त लाल लिबास पहनते हैं ताकि दुल्हन सबसे अलग नज़र आए और वो शादी यादगार बन जाए। जब ये ज़बान नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, तो जब कोई लड़की किसी से मोहब्बत करती थी तो वो अपने प्यार का इजहार अपने होठों को लाल करके किया करती थी। इसका मतलब सामने वाले मर्द के लिए ये होता था कि मैं तुमसे प्यार चाहती हूँ, तुम मुझसे निकाह करो। अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का मसला है तो अगर वो लगातार लाल रंग को देखे तो उनका ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लाल रंग इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। लेकिन मर्द को सिर्फ लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, बल्कि लाल रंग के साथ कोई और रंग भी ज़रूर मिला लेना चाहिए। नीला रंग, ये रंग उसूल, आराम, अकलमंदी और भरोसे की निशानी है। अगर किसी इंसान को नींद नहीं आती तो वो कोशिश करे कि जिस जगह वो सोता है वहाँ या उसके आसपास की दीवारों पर नीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अल्लाह पाक के फजलो करम से उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि नीला रंग सुकून की निशानी है। हरा रंग, ये रंग फैज़, रहमत और कुदरत की तरफ इशारा करता है। जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं या पहनते हैं उनके अंदर दुनिया को देने की चाहत होती है, वो लोगों को प्यार देते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं मांगते। तभी अल्लाह पाक ने ज़मीन से उगने वाले दरख्त, पेड़ पौधों का रंग हरा रखा। इसका मतलब ये है कि ये फल तो देते हैं लेकिन उसकी उजरत नहीं लेते। अगर कोई इंसान परेशान रहता है या बात बात पर शक करता है तो वो कोशिश करके कुछ वक्त तक हरे रंग का मुसलसल इस्तेमाल करे। अल्लाह पाक के फजलो करम से उसे सुकून मिलेगा और परेशानी दूर होंगी। पीला रंग, ये रंग किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये रंग उम्मीद का रंग है। तभी अल्लाह ने उगते हुए पौधों का रंग पीला रखा ताकि ये इंसानों में उम्मीद पैदा कर सके। जो लोग पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें पीला रंग पसंद होता है तो वो घूमने फिरना और शोर शराबा, हंसी मजाक करना पसंद करते हैं।